दोस्तों मैं बात करने वाला बिहार में आखिर जो किस प्रत्याशी को कितना वोट मिला, दोस्तों जो जीते हुए प्रत्याशी और उसके पीछे जो हारा उस प्रत्याशी को कितना वोट मिला हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं आपको बक्सर। बक्सर में दोस्तों जो है काफ़ी टक्कर की लड़ाई वहाँ पर हुई है और बक्सर के जो सुधाकर सिंह दोस्तों वहाँ के प्रत्याशी थे सुधाकर सिंह जो है 30,000 से मिथिलेश कुमार यानी मिथिलेश तिवारी को हराकर 30,000 से जीत हासिल किया है। दोस्तों सुधाकर सिंह को जो है 4,38,000 के लपेट में मिला था और वहीं पे मिथिलेश जो तिवारी थे उनको जो है 4,08,000 के लपेट में वोट मिला। दोस्तों उसके बाद चलते तो जीता राम मांझी जो है गया सीट पर जो जीता राम मांझी ने वहाँ से जीत हासिल किया है। वहीं पर जो है कुमार सर्वजीत को हार मिला है। जीता राम मांझी 1,00,000 वोट से जीते हैं, वहाँ पर लगभग 4,94,000 वोट जो है उनको मिला। 4,94,000 वोट जो है जीताराम मांझी को मिला और वहीं 3,93,000 वोट जो है कुमार सर्वजीत जो आरजेडी के प्रत्याशी इनको मिला। दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों जो है जहानाबाद, जो काफ़ी हॉट सीट जहानाबाद भी रहा दोस्तों, वहां पे जो है आरजेडी जीत हुई है और वहाँ पर सुरेंद्र प्रसाद यादव जीत वहाँ से दर्ज किया दोस्तों। पर बात करूँ उनको वोट कितने मिले, 4,43,000 वोट से दोस्तों जो है वहाँ उनको वोट मिला। वहीं पर जो है चंदेश्वर प्रसाद को जो है 3,00,000 वोट दोस्तों मिला है। लगभग 1,42,000 वोट से जो है सुरेंद्र यादव जो है जहानाबाद से जीत हासिल किया। अब चलते हैं दोस्तों बांका में दोस्तों जो वहां से जो है जनता दल यूनाइटेड जो है नीतीश कुमार की पार्टी जो है वहाँ जीत हासिल किए। वहाँ पर गिरिधारी यादव को जो है टिकट मिला हो तो जीत हासिल किए हुए और इनको जो है 5,06,000 वोट जो है वहाँ से इनको मिलता है दोस्तों। वहीं बात करें दोस्तों जो है आपको राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के प्रत्याशी जो थे जय प्रकाश नारायण यादव, इनको दोस्तों जो है 4,02,000 वोट वहां से मिलता है। लगभग 1,00,000 वोट से वहां से ये जो आरजेडी के कैंडिडेट थे 1,00,000 वोट से वहां से दोस्तों हारते हैं। दोस्तों चलते हैं भागलपुर सीट से। भागलपुर का काफ़ी जो है टक्कर की लड़ाई हुई है। मैं आपको बता दूँ अजीत शर्मा वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, जो नेहा शर्मा के पिता हैं, बॉलीवुड की एक्ट्रेस जो है नेहा शर्मा के पिता हैं वो कांग्रेस चुनाव लड़े थे और अजय कुमार मंडल जो है जेडीयू से जो नीतीश कुमार के पार्टी से चुनाव लड़े थे। अजय मंडल को जो है 5,36,000 वोट मिला है और वहीं 4,31,000 वोट जो है अजीत शर्मा को मिला दोस्तों। लगभग 1,04,000 वोट से अजीत शर्मा यानी कांग्रेस वहां से हार मिला दोस्तों, कांग्रेस को वहाँ से हार मिला है। चलते थोड़ा गोपालगंज में दोस्तों, गोपालगंज में आखिर जो है क्या वहाँ का समीकरण था। वहाँ पर दोस्तों जो है जनता दल जो है नीतीश कुमार की पार्टी जो है जेडीयू वहाँ से चुनाव लड़ रही थी, जिसको जो है वहाँ से डॉक्टर आलोक कुमार सिंह को वहाँ से सीट मिला, मौजूदा सांसद भी है। और जो दोस्तों वहाँ से जो है 5,11,000 वोट जो है इनको पड़ता है। और वहीं पे जो है विकासशील इंसान पार्टी यानी VIP जो मुकेश सहनी के पार्टी के प्रत्याशी थे प्रेमनाथ चंचल जो है 3,84,000 वोट जो है वहाँ पर पड़ा दोस्तों। लगभग 1,27,000 से जो है प्रेमनाथ चंचल जो है हार दोस्तों यानी इंडिया गठबंधन वहां से हार गए दोस्तों। चलते दोस्तों दरभंगा में आखिर जो क्या हुआ है। दरभंगा में दोस्तों गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको जो है 5,66,000 वोट जो है वहां से मिलता है। और वहीं पे जो है राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के प्रत्याशी जो है ललित कुमार यादव जो वहाँ से उठे हुए थे लगभग 3,88,000 वोट जो इनको पड़ता है। और जो है 1,78,000 वोट से जो है गोपाल जी ठाकुर जीत हासिल करते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नालंदा में दोस्तों जो है काफी चौंकाने वाला जो है यहाँ पे नालंदा में दोस्तों जो है काफी जो है टक्कर की लड़ाई थी, मगर जो यहाँ पे जो है कौशलेंद्र कुमार जो है मौजूदा सांसद भी हैं और जो है जेडीयू के प्रत्याशी थे और जेडीयू के सांसद भी थे जो है यहाँ से जो जीत हासिल किया है, इनको जो है 5,59,000 वोट मिला है दोस्तों। और वहीं पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी के संदीप स्वरूप थे दोस्तों, जो कि 3,90,000 वोट इनको मिलता है और 1,69,000 से दोस्तों जो है वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रत्याशी थे वहाँ से हार हासिल हुआ दोस्तों। मुंगेर में दोस्तों आपको मालूम होगा काफी टक्कर की लड़ाई थी, यहाँ पे चुनाव हुआ था और जो यहाँ पे राजीव रंजन सिंह यानी ललन सिंह जो जेडीयू के कद्दावर नेता भी है और वहीं पे दोस्तों जो है राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के तरफ से जो है कुमारी अनीता देवी जो है वहाँ से चुनाव जो है लड़ी दोस्तों। वहीं पे ललन सिंह को 5,50,000 वोट मिलता है और 4,70,000 वोट जो है दोस्तों जो है अनीता देवी को मिलता है। लगभग जो 80,000 वोट से जो है वो वहाँ से हार इनको दोस्तों मिला है। अब चलते दोस्तों सीतामढ़ी, अशोक चौधरी की बेटी संभावी चौधरी को जो है वहाँ से टिकट मिलता है, जो लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान के पार्टी से टिकट मिलता है और जो फर्स्ट टाइम जो इन्होंने चुनाव वहाँ से लड़ती हैं।
मगर दोस्तों इस बार जो उन्होंने जीत हासिल किया है, इनको जो 5,79,000 वोट मिल रहा है, उसके बाद वहीं पर सन्नी हजारी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इनको जो 3,92,000 जो है वोट मिलता है, लगभग 1,87,000 से जो सन्नी हजारी जो है, सन्नी हजारी का हार होता है दोस्तों। अब चलते हैं तो सासाराम। सासाराम दोस्तों जो है काफी टक्कर की लड़ाई थी, जहां से मनोज कुमार जो इंडिया नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी थे, यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो मनोज कुमार थे, और जो वहीं दूसरी तरफ जो थे शिवेश कुमार थे दोस्तों। शिवेश कुमार जो दोस्तों शिवेश कुमार का हार हुआ है, और जो है भारतीय जनता पार्टी से थे उनका हार हुआ है, और कांग्रेस यहाँ से जीत हासिल की है। लगभग जो है मनोज कुमार को 5,13,000 वोट जो है वहाँ पे इनको पड़ा हुआ था, वहीं पे दोस्तों 4,93,000 वोट जो है आपको शिवेश कुमार को मिलता है दोस्तों। लगभग 19,000 वोट से जो है यहाँ पे बीजेपी हारते हुए नजर आई, कांग्रेस जो है 19,000 वोट से जीता दोस्तों यहाँ पे। अब चलते दोस्तों सीतामढ़ी। दोस्तों सीतामढ़ी देवेश चंद्र ठाकुर जो आपको जेडीयू से प्रत्याशी थे, जो यहाँ से जीत हासिल किया है, 5,15,000 वोट जो इनको पड़ा हुआ था, और वहीं पर जो है राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के प्रत्याशी जो है 4,64,000 वोट मिला, लगभग 91,000 से दोस्तों जो है यहाँ पे जेडीयू प्रत्याशी ने जीत हासिल किया दोस्तों। अब चलते दोस्तों जमुई। जमुई भी काफी टक्कर था, यहाँ से जो है चिराग पासवान के जीजा चुनाव लड़ रहे थे, अरुण भारती को दोस्तों 5,09,000 वोट मिला, वहीं दूसरी तरफ जो अर्चना कुमारी जो थी, अर्चना कुमारी को 3,96,000 वोट मिला, लगभग 1,12,000 वोट से जो अर्चना कुमारी हारती है, और जो है अरुण भारती वहां से जीत हासिल करते हैं दोस्तों। अब चलते सीहोर आनंद मोहन, आपने नाम सुना काफी हॉट सीट है आनंद मोहन का, जो उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ी थी लवली आनंद को दोस्तों जो 4,76,000 वोट मिला, वहीं पे आरजेडी की तरफ से रितु जायसवाल आईएएस की पत्नी थी, रितु जायसवाल ने काफी मेहनत से यहाँ चुनाव लड़ा, लगभग जो 4,47,000 वोट इनको मिला दोस्तों, और जो है वहाँ पे जो है 29,000 वोट से जो है वहाँ पे आरजेडी हारा, और जो है जेडीयू जो है लवली आनंद थी जो है 29,000 वोट से जो है जीत हासिल किया दोस्तों। अब चलते दोस्तों पश्चिमी चंपारण, जहाँ से जो है मनीष कश्यप उठे हुए थे दोस्तों, मनीष कश्यप पे बैठ गया था आपको मालूम होगा, यहाँ से पश्चिमी चंपारण दोस्तों यहाँ से बीजेपी ने जीत हासिल किया, डॉक्टर संजय जायसवाल जीत हासिल किया, तो 5,80,000 वोट जो इनको मिलता है, और वहीं पर जो है 4,43,000 वोट जो है दोस्तों मदन मोहन तिवारी को मिलता है दोस्तों, जो लगभग जो 1,36,000 वोट से जो है यहाँ पे जो है कांग्रेस जो है हारा, और बीजेपी जो है जीत हासिल किया दोस्तों। यहाँ काराकाट दोस्तों काफी हॉट सीट पॉइंट को लेकर, और वो शख्स वहां से जीता जो दोस्तों जो है मीडिया से बाहर था, मीडिया में उनको दिखाया ही नहीं जा रहा, जैसे लग रहा था कि 3 नंबर में जो है दोस्तों प्रत्याशी जा रहे हैं दोस्तों, और चौंकाने वाला यहां पे रिजल्ट आया, और 1,00,000 वोट से दोस्तों ये यहां पे प्रत्याशी जीता दोस्तों। नाम है राजा राम सिंह, CPI से चुनाव लड़ते हैं, और जो यहाँ पे काराकाट से जीत हासिल करते हैं। पवन सिंह जो सेकेंड नंबर पर थे, जिसको जो 2,74,000 वोट मिला हुआ था, और जो 3,80,000 जो राजा राम सिंह को मिला हुआ था, और उपेंद्र कुशवाहा को दोस्तों जो है पवन सिंह से भी कम मिला हुआ था, लगभग जो 2,00,000 के लपेट में जो, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा 3 नंबर पे थे दोस्तों। तो यहाँ पे जो राजा राम सिंह जो है जीतते हैं पवन सिंह, और बीजेपी यहाँ से हार जाती है दोस्तों। अब चलते दोस्तों मुजफ्फरपुर। मौजूदा सांसद जो थे बीजेपी के अजय निषाद थे, मगर उनको टिकट नहीं मिलने का वो कांग्रेस में चले गए, उनको उन्हें जो है कांग्रेस ने वहां से टिकट दिया, और दूसरा जो राजभूषण चौधरी को जो है वहां से बीजेपी ने टिकट दिया दोस्तों। राजभूषण चौधरी जीत हासिल किया है, लगभग 2,34,000 से जो है वहां पे जीत हासिल किया है, 6,19,000 वोट जो है राजभूषण चौधरी को वहां से मिला हुआ था, और वही जीता हुआ प्रत्याशी जो है अजय निषाद को 3,84,000 सिर्फ वोट वहां दोस्तों मिला दोस्तों। तो वहां से जो है बीजेपी जो है वह जीत हासिल किया दोस्तों मुजफ्फरपुर से। अब चलते दोस्तों जो खगड़िया में दोस्तों राजेश वर्मा जो है लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी जो जीत हासिल किया, चिराग पासवान के प्रत्याशी थे, वहाँ से जीत हासिल किया, 5,38,000 वोट इन्हें मिला था। वहीं पे जो है कम्युनिस्ट पार्टी के दोस्तों जो है प्रत्याशी थे संजय कुमार, जिसको 3,77,000 वोट मिला, 1,61,000 वोट से जो है यहाँ पे राजेश वर्मा जीत हासिल किया, यानी चिराग पासवान के प्रत्याशी। बेगूसराय भी बहुत काफ़ी जो है आगे पीछे रिजल्ट हो रहा था, माना जाता है कि गिरिराज सिंह यहाँ से हार सकते हैं, मगर दोस्तों चौंकाने वाला वहाँ पर खबर आया, लगभग जो है गिरिराज सिंह को जो है 6,49,000 वोट मिला है वहाँ पे, और वहीं पे अवधेश कुमार राय को जो है जो CPI के जो है प्रत्याशी थे उनको जो 5,67,000 वोट में, यानी 81,000 वोट से जो है गिरिराज सिंह यहाँ से जीत हासिल किया दोस्तों। चलते दोस्तों झंझारपुर में दोस्तों रामप्रीत मंडल यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे जनता दल की तरफ से, यानी कि नीतीश कुमार के प्रत्याशी की तरफ से, और वहीं पर जो है सुमन कुमार जो है विकासशील इंसान पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे।
सुमन कुमार को जो है दोस्तों 3,48,000 वोट आया, और जो जेडीयू प्रत्याशी रामप्रीत मंडल को जो है यहाँ से 5,35,000 वोट आया दोस्तों, और जो है यहाँ पे जीत हासिल किया 1,84,000 से यहाँ से, तो रामप्रीत यानी जेडीयू जो है वहाँ से जीत हासिल किया दोस्तों। अब चलते हाजीपुर दोस्तों, चिराग पासवान की सीट हाजीपुर, हाजीपुर में दोस्तों जो है चिराग पासवान जो है जीत हासिल किया है, और इनको जो है 6,15,000 वोट मिला था। और वही दूसरी तरफ दो शिव चंद्र राम थे जो आरजेडी के प्रत्याशी थे, इनको जो 4,45,000 वोट मिला, तब वही 1,70,000 से जो है चिराग पासवान ने यहाँ से जीत हासिल किया दोस्तों। चलते दोस्तों नवादा, नवादा में आखिर क्या है, नवादा में दोस्तों जो है यहाँ पे कुछ चौंकाने वाला खबर है, बीजेपी ने यहाँ से जीत हासिल किया है, विवेक ठाकुर यहाँ से जीते हैं दोबारा जो है, यहाँ से संसद चुने गए विवेक ठाकुर जिन्हें जो है 4,10,000 वोट मिला। वहीं पे जो है राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू के प्रत्याशी श्रवण कुमार को जो है 3,42,000 दोस्तों यहाँ वोट मिला। अब चलते हैं दोस्तों वहीं पे एक और प्रत्याशी उठे हुए थे जो थे गुंजन सिंह, गुंजन सिंह को सिर्फ जो है 29,000 वोट मिला, विनोद यादव को जो है 39,000 वोट मिला, लगभग जो है गुंजन सिंह जो 4 नंबर पे थे दोस्तों यहाँ पे, ये दोस्तों जो है यहाँ पे विवेक ठाकुर जो है जीत हासिल किया दोस्तों। अब चलते दोस्तों जो है मधुबनी, मधुबनी में दोस्तों बीजेपी पार्टी और जो है आरजेडी के बीच वहाँ पे लड़ाई था, टक्कर था वहाँ पे, यहाँ पे अशोक कुमार यादव को जो है बीजेपी टिकट देती है, और जो वहीं पे जो है मोहम्मद अली अशरफ फातमी को जो है राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी टिकट देता है दोस्तों, और जो है यहाँ से बीजेपी जीत हासिल करते हुए नजर आया दोस्तों। बीजेपी यहाँ से जीत हासिल की, लगभग जो है 1,91,000 वोट से यहाँ से जीत हासिल, 1,51,000 वोट से यहाँ से जीत हासिल करता है, 5,53,000 वोट जो है अशोक कुमार यादव को आया था, और जो है फातमी अशरफ फातमी को जो है 4,00,000 वोट आया था दोस्तों, 1,51,000 वोट से जो है फातमी यहाँ से हार जाते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अब चलते हैं वाल्मीकि नगर दोस्तों, वाल्मीकि नगर में जो सुनील कुमार जो है जनता दल यू से चुनाव लड़ते हैं, जेडीयू से चुनाव लड़ते हैं, तब 5,23,000 वोट इन्हें पड़ता है, और वहीं पर दीपक यादव राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं, इनको 4,24,000 वोट दोस्तों यहाँ पड़ता है, लगभग 98,000 यानी 98,000 वोट से जो है यहाँ पे आरजेडी हार होती है और जेडीयू यहाँ से जीतता है दोस्तों। चलते दोस्तों महाराजगंज, महाराजगंज में दोस्तों दो टर्म के ऑलरेडी जो है जीते हुए प्रत्याशी थे जनार्दन सिंह सिग्रवाल, इस बार भी जो है यहाँ से जीत हासिल किया, भारतीय जनता दल के प्रत्याशी है और यहाँ जीत हासिल किया है, इनको दोस्तों 5,29,000 वोट जो है महाराजगंज में इनको मिलता है यानी भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, और वहीं पर आकाश कुमार सिंह जो है 4,26,000 वोट जो है इन्हें दोस्तों वहाँ मिलता है, लगभग 1,02,000 से जो है जनार्दन सिंह सिग्रवाल जो है तीसरी बार जो है संसद जो है चुने जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों सुपौल, सुपौल में दोस्तों दिलेश्वर कामत को जो है यहाँ से जनता दल यू टिकट देती है, जिन्हें जो है 5,95,000 वोट मिलता है, चंद्रहन से चौपाल को जो है 4,25,000 वोट मिलता है जो आरजेडी के प्रत्याशी थे, और 1,69,000 वोट से जो है यहाँ से वो हारते हुए नजर आए दोस्तों आरजेडी प्रत्याशी। अब चलते हैं दोस्तों किशनगंज, किशनगंज में दोस्तों मौजूदा सांसद जो है मोहम्मद जावेद थे, मोहम्मद जावेद जो है इस बार फिर से दोबारा जीत हासिल किया है, और यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी थे जीत हासिल किया, 4,00,000 वोट इन्हें पड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ जो है मुजाहिद अली को जो है 3,43,000 वोट जो पड़ा था दोस्तों, और जो है यहाँ पे दोस्तों जो है 59,000 वोट से जो है मोहम्मद जावेद जो फिर से एक बार जो है जीतते हुए नजर आए दोस्तों। पटना साहिब तो दोस्तों बीजेपी की सीट है, यहाँ से रविशंकर प्रसाद जो दोस्तों जीत हासिल किया है, जिन्हें जो है 5,78,000 वोट पड़ा, और वहीं पे दोस्तों जो है अंशुल अभिजीत को जो है 4,34,000 वोट पड़ा दोस्तों, लगभग 1,50,000 वोट से जो है रविशंकर प्रसाद जो है जीत हासिल किया दोस्तों। सारण, सारण दोस्तों राजीव प्रताप रूढ़ी और रोहिणी आचार्य के बीच काफी टक्कर की लड़ाई थी दोस्तों, बहुत कम ही वोट से दोस्तों जो है यहाँ राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ जीत हासिल किया है, राजीव प्रताप रूढ़ी को दोस्तों जो है 4,26,000 वोट मिलता है, और रोहिणी आचार्य को दोस्तों 4,16,000 वोट दोस्तों मिलता है, लगभग 10,000 वोट से जो है राजीव प्रताप रूढ़ी यानी बीजेपी वहां से जीत हासिल किया है दोस्तों। वैशाली दोस्तों चिराग पासवान की प्रत्याशी थी बीना देवी, बीना देवी जो है वहाँ से चुनाव संसद भी थी, इस बार फिर जो उनको टिकट मिला हुआ था, लगभग 5,66,000 वोट जो है बीना देवी को मिलता है, और वहीं मुन्ना शुक्ला को दोस्तों जो है यहाँ से 4,76,000 वोट मिलता है, और 90,000 वोट से जो है यहाँ से आरजेडी प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला जो है हार जाते हैं दोस्तों। सिवान दोस्तों सबसे हॉट सीट सिवान, सिवान में दोस्तों त्रिकोणीय लड़ाई था, यहाँ पे विजय लक्ष्मी थी जेडीयू प्रत्याशी, हिना साहब थी और अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से थे दोस्तों, हिना साहब निर्दलीय थी, यहाँ पे दोस्तों जो है 3,72,000 वोट जो विजय लक्ष्मी को पड़ा दोस्तों, और वहीं पे 2,81,000 वोट जो हिना साहब को पड़ा, और अवध बिहारी चौधरी को दोस्तों 1,95,000 के लपेट में दोस्तों अवध बिहारी चौधरी को पड़ा दोस्तों, मगर सेकेंड नंबर पर जो है हिना साहब रही, और विजय लक्ष्मी जो है यहाँ से जीत हासिल किया है, लगभग 91,000 से जीत हासिल किया दोस्तों सिवान में। पप्पू यादव सबसे पहला हॉट सीट बिहार का, राजेश रंजन सिंह यानी पप्पू यादव,
पप्पू यादव दोस्तों टोटल जो है 5,40,000 वोट पड़ा था, और वहीं पे उनके खिलाफ जो मौजूदा सांसद जो थे संतोष कुमार को 5,11,000 वोट मिलता है दोस्तों। और जो आरजेडी प्रत्याशी थे काफ़ी बिना भारती काफ़ी कम वोट उन्हें पड़ता है, लगभग 35,000 के लपेट में उन्हें वोट मिलता है, और यहाँ से पप्पू यादव जो है 29,000 वोट से जो है यहाँ से जीत हासिल किया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आरा। आरा में दोस्तों काफ़ी खेल हुआ है, यहाँ पे जीता हुआ सांसद जो हार गए, काम किया हुआ सांसद काफ़ी जो है वहाँ से काम किए थे। आरके सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, बीजेपी के सांसद भी थे, काफ़ी काम किया था, मगर इस बार जो हार चुके हैं वहाँ से जो है CPI जो है वहाँ से जीत हासिल किया दोस्तों। आरा में दोस्तों जो है 4,87,000 वोट जो है सुदामा प्रसाद को मिलता है, और आरके सिंह को जो है 4,32,000 वोट दोस्तों यहाँ से मिला, और जो है सुदामा प्रसाद जो है यहाँ से जीत हासिल किया दोस्तों। ये दोस्तों जो है बिहार का जो दोस्तों 4,400 सीट का जो है कौन सा प्रत्याशी किससे कितना वोट उससे जीता हारा, ये जो तो रिजल्ट था। और भी हर जगह से कई प्रत्याशी जो 10,000 5,000 मगर दोस्तों लगभग जो है ज़्यादा सीट पे देखा गया कि 3 नंबर में जो है नोटा था दोस्तों। हर सीट पे नोटा को भी काफ़ी वोट पड़ा हुआ है दोस्तों, हजारों हजारों में वोट जो है दोस्तों पड़ा हुआ है। दोस्तों आपका क्या मानना है जरूर कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे भाई।